One EC given. ओके तो हमें ये इन दोनों को ज्वाइन किया, क्या बन गई लाइन DE, क्या बन गई लाइन DE. We need to prove that DE is parallel to BC. To prove DE is parallel to BC, we need to prove that DE is parallel to BC. Okay student, DE is parallel to BC. This is the first thing that we have given. Now, हमको prove करना है कि DE is parallel to BC है. For contrary, we assume that कि DE BC के parallel नहीं है. हम मान के चलते हैं कि let DE is not parallel to BC. हम मान के चलते हैं क्योंकि इसलिए मान रहे हैं जैसे हमने real number में suppose किया था कि ये irrational number नहीं है, rational number है. बाद में हमारा assumption wrong हुआ था. उसी तरीके से हम मान के चलते हैं कि DE BC के parallel नहीं है. तो ऐसा थोड़ा ना कि कोई line parallel नहीं होगी, कोई ना कोई तो parallel होगी. तो चलो मानते हैं फिर parallel कौन है, मान लेते हैं ये line parallel है जबरदस्ती में और इसका नाम है DE dash. तो कोई ना कोई line तो parallel होगी अगर DE parallel नहीं है, कोई और होगी. आपने मान लिया DE dash parallel है क्योंकि एक point से तो जाएगी दूसरे पॉइंट पे पैरेलल का प्रूफ कराना है. लेट DE dash is parallel, let DE dash is parallel to BC. हमने मान लिया DE dash parallel है BC के. और अगर DE dash BC के पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम लगेगी कि नहीं लगेगी? तो थेल्स थ्योरम कहेगी कि AD upon DB is equals to AE dash upon E dash C. Yes or no? Relation number second. Yes or no? बच्चों देखिए left part equal है. Yes or no? हम right part क्या कर सकते हैं? Equal. Equal. तो left part और right part को equal करने पर ये right part equal कीजिए. AE upon EC is equals to AE dash upon E dash C. ठीक है बच्चों? अब दोनों में plus one add करिए. दोनों में right side में इनमें दोनों में plus one. तो ये direct कर दो. बनेगा AE plus EC upon EC equals to AE dash plus E dash C upon E dash C. आया समझ में? आपने इसमें भी plus one किया, इसमें भी plus one किया. LCM लोगे इधर जाएगा EC upon EC, इधर जाएगा E dash C upon E dash C. Say yes or no? Clear? चलिए solve करते हैं. AE plus EC, AE EC क्या होगा? AC. AE plus EC equals to AC. AC upon EC. साथ दीजिए अब यहाँ पे AE dash इतना plus E dash C. AC. फिर से AE dash इतना plus E at this E dash C, ये वाला part total कितना हो गया बच्चों? AC upon कितना? E dash C. AC से AC मतलब आ गया EC equal to E dash C. मतलब ये कह रहा है कि जो EC की value है वो E dash C के equal है. मतलब ये part और ये part ये आपस में क्या है? Equal. और ये पार्ट तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये दोनों पॉइंट सिमट के एक ही पॉइंट पे आ जाए. बोलो हाँ या ना? ये पार्ट इक्वल तभी हो सकते हैं जब ये दोनों पॉइंट को इनसाइड हो जाए. दिस मींस दैट इज पॉइंट ई एंड ई डैश आर कॉन्साइड. पॉइंट ई एंड ई डैश आर और पॉइंट ई और ई डैश कॉन्साइड हो गए. मतलब E-dash यहाँ पे आ गया, मतलब D क्या हो गया? Parallel. जब E-dash खुद वहाँ पे आ गया, coincide हो गया, इसका मतलब D क्या हो गया? Parallel. So D is parallel. Hence proved. Write down this. So D is parallel to BC. So D is parallel to BC.